हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक अकाउंट रिकवर कैसे करें। जैसे कि आपका फेसबुक पर कोई पुराना अकाउंट है, इसको वापस रिकवर करना चाहते हो, हाउ टू रिकवर फेसबुक अकाउंट विदाउट ईमेल, विदाउट पासवर्ड, विदाउट यूजर नेम। आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हो सिर्फ मोबाइल फोन के माध्यम से। कैसे करोगे पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान से समझना। और अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सबको लाइव सीख लेते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान समझना, जो मेरा फेसबुक पर पुराना अकाउंट था उसका मैं यूजर नेम भी भूल गया हूँ, पासवर्ड भी भूल गया हूँ और मैं ईमेल आईडी भी भूल गया हूँ। मैं तीनों चीजें भूल चुका हूँ, मेरी बात को ध्यान समझना। और मुझे अपना पुराना अकाउंट लॉगिन करना है, फिर से खोलना चाहता हूँ। कैसे खोलोगे, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। आपके सामने सेम टू सेम यही इंटरफेस आएगा, जहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको या तो मोबाइल नंबर डालना है या फिर ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद पासवर्ड डालना है यहाँ पर। लेकिन मैं अपना पासवर्ड ईमेल आईडी भूल चुका हूँ। अब आपको क्या करना, आपको अकाउंट लॉगिन करना है। कैसे करोगे, इनबॉक्स को खाली छोड़ देना, इनका कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे फॉरगेट पासवर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है, सारा खेल इसी का है। इसकी मदद से अपने पुराने अकाउंट को आसानी से लॉगिन कर पाओगे। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइंड योर अकाउंट। यहाँ से आपका जो फेसबुक पर पुराना अकाउंट है उसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। भले ही आपको यूजर नेम भी नहीं पता है, पासवर्ड भी नहीं पता, ईमेल आईडी नहीं पता, फिर भी आप अपने पुराने अकाउंट को फाइंड कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। कैसे करोगे, आपके सामने आपका बॉक्स आ रहा है मोबाइल नंबर। आपको ये तो पता होगा आपके मोबाइल में कौन सी सिम डाली, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, तो आपको सिम का नंबर पता होगा। तो सिंपल भी आपका अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसी की मदद से आप अपने अकाउंट को फाइंड कर सकते हो और उसको आप लॉगिन कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उससे आपने आज तक जितने अकाउंट बनाए होंगे सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल नंबर से दो फेसबुक अकाउंट बनाए जो कि मेरे दोनों पुराने अकाउंट थे जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो आपके सामने मान लेते दो अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं, अब आप उनमें से किसी भी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो विदाउट पासवर्ड। भले ही आपको पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड भूल गए हो, फिर भी आपने पुराने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। कैसे करोगे, पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे दो अकाउंट थे पुराने जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे फर्स्ट वाला अकाउंट लॉगिन करना है, मैं इसको वापस खोलना चाहता हूँ, तो आपको इसी अकाउंट पर क्लिक करना है जिसको आप खोलना चाहते हो वापस। तो मैंने इस अकाउंट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देखो जिस अकाउंट को आपने सेलेक्ट किया है वो अकाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ चुका है। अब देखो मेरे अकाउंट में ईमेल आईडी नहीं लगी है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा, तो मोबाइल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं। ये फेसबुक कन्फर्म करे कि आपका ही फेसबुक अकाउंट है जिसको आप वापस खोलना चाहते हो। उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी मंगाना पड़ेगा, कोड वेरीफाई करना है, उसके बाद अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना कोड व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हो या फिर एसएमएस पर मंगाना चाहते हो अपना ओटीपी। तो मैं चाहता हूँ कि एसएमएस पर आए, तो मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। आपको अपने हिसाब से कर देना, आप कोड किस पे मांगना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कि एसएमएस पे। मैंने एसएमएस वाला सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर ओटीपी जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एंटर कोड, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका कोड जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कोड डाल देना है। तो मेरा कोड मोबाइल नंबर पर आ चुका है, मैं अपना कोड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कोड आ चुका है जो कि मैंने डाल दिया। ये कोड आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करो अब आपके सामने ऑप्शन आया क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। देखो आप अपने फेसबुक अकाउंट का पुराना पासवर्ड भूल गए, उसे हमेशा के लिए भूल जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आया क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। अब ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि फेसबुक को कंफर्म हो चुका है कि जो पुराना अकाउंट लॉग इन कर रहा है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपने कोड को वेरीफाई कर दिया है। इसलिए अब यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड डाल देना, जो आप अपने अकाउंट का न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको एक न्यू पासवर्ड डाल देना जो आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने फेसबुक के पुराने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो एक लाइक कर देना, और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।